हेलो फ्रेंड्स, रोहानाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और डोरमेट का एक और वीडियो यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा डोरमेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए 15 फंदे लिए मैंने, और पहली सिलाई में एक फंदा बढ़ा लेती हूँ। बाकी के सारे फंदे मैं उल्टे बुनते हुए दूसरी सिलाई में उतार लूंगी, आखिरी के 3 फंदे बिना बुने छोड़ते हुए। तो देखिएगा, बहुत ही आसान है ये बनाना। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ मैं 3 फंदे बिना बुने छोड़ूंगी। तो देखिए, 3 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। धागे को दूसरी तरफ घुमा के मैं दूसरी तरफ से बुनाई शुरू कर दूंगी। बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बुनते हुए जाना है और दूसरी सिलाई में उतार लेने हैं। ये देखिए, एक और बार मैं यहाँ पे फंदा बढ़ाऊंगी। फंदा बढ़ाना बहुत ही आसान है, मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है। इस बार 3 और फंदे मैं यहाँ बिना बुने छोड़ दूंगी, यानी हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए, 3 पहले वाले और 3 ये। तो इस तरह से मैंने 15 फंदों के 5 फंदे एक एक करते हुए बढ़ाए हैं, और 3 3 करते हुए 15 फंदे मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको डोरमेट दिखाया था, तो उसमें स्टार जैसे नोक निकली हुई है। तो यहाँ ये हम एक हिस्सा उसका यहाँ बना रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मैं 3 3 फंदे छोड़ूंगी और एक एक करते हुए यहाँ पे फंदे बढ़ाऊंगी। ये मैंने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं, और 3 3 करते हुए 5 बार में मैंने ये 15 फंदे छोड़ दिए हैं। अभी इन 5 फंदों को मैं उल्टा बुनते हुए दूसरी सिलाई में उतार लूंगी। ये देखिए, अभी हम फंदे घटाएंगे, तो 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और बाकी के फंदों को हम उल्टा बुनते हुए ले जाएंगे। और सामने के जो 3 फंदे हम बिना बुने छोड़ते हुए आ रहे थे, उनको हम बुनाई में ले लेंगे। तो 3 फंदे हमने बुनाई में ले लिए, और दूसरी तरफ से बुनाई शुरू कर देंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में हम एक एक फंदा बढ़ा रहे थे और 3 3 फंदे बिना बुने छोड़ रहे थे, अब हमें 2 2 फंदे, यानी कि 2 का एक करना है फंदा, और 3 फंदे जो हमने बिना बुने छोड़े थे उन्हें एक एक करते हुए बुनाई में ले लेना है। तो देखिए, हमारी नोक जैसी डिजाइन आती जा रही है, तो हमारी कली का एक सिरा यहाँ पे बनेगा। ये देखिए, सामने के 3 और फंदे यहाँ मैं बुनाई में ले लूंगी, और बीच का गैप कम करने के लिए यहाँ से मैं एक फंदा बीच से उठा लूंगी। बीच से एक फंदा लेके 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, जिससे ना ही तो हमारे फंदों की संख्या बढ़ेगी और बीच का गैप भी कम हो जाएगा। ये देखिए, 3 फंदे यहाँ बुन लिए मैंने, अभी दूसरी तरफ से बुनाई शुरू कर देंगे। देखिए, कोने जैसी डिजाइन हमारी बनती जा रही है। तो जैसे जैसे हम फंदे घटाते जाएंगे, हमारी डिजाइन बुनती जाएगी। यहाँ मैं आपको 3 सिरे इसके बना के दिखाऊंगी। मैंने अपने डोरमेट में 4 कोनों के बनाया है, यहाँ मैं आपसे 3 कोने स्टार शेप जो है ये शेयर कर रही हूँ। तो आप चाहें तो 2
तीन या चार, जैसे भी आप डिजाइन आपको पसंद हो ऐसे आप बना सकते हैं। ये देखिए आखिरी दो और फंदे हमारे बच गए हैं, दो का एक किया और सामने से तीन और फंदे जो बिना बुने हमारे बच गए हैं उन्हें हम बुनाई में ले लेंगे। तो ये एक सिरे की हमारी ये कंप्लीट हो जाती है कली। ये देखिएगा आप, तीनों फंदे में यहाँ बुनाई में ले लूंगी। अगर आप तीन तीन फंदे छोड़ रहे हैं तो आप तीन के मल्टीपल में ही फंदे लीजिएगा। तो देखिए एक सिलाई एक सीधे ही बुनते हुए मैं आखिरी तक सारे फंदे दूसरी सिलाई में उतार लूंगी। तो ये देखिए एक सिरा ये हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो अभी फिर से वही हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और सेम वही डिजाइन हमारी चलती रहेगी। तो इस तरह से मैं तीन सिरे यहाँ पे बनाऊंगी, नोक जैसी डिजाइन जो हमारी दिख रही है तीन सिरे बनाऊंगी। सेम वही यहाँ चलेगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ भी एक फंदा बढ़ा लिया। और ये देखिएगा आप, तीन फंदे ये मैं बिना बुनी यहाँ छोड़ दूंगी। तो ये देखिए तीन फंदे छोड़ दिए हैं और दूसरी तरफ से बुनाई शुरू कर देंगे। तो जैसे पहले हिस्से की बुनाई करी है सेम वैसी ही बुनाई यहाँ इसकी चलेगी और सेम वैसे ही 15 फंदे फिर से हमें मिल जाएंगे हमारे और तीसरे हिस्से की बुनाई चलेगी। तो इस तरह से मैं तीनों हिस्सों की बुनाई कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद मैं आपको दूसरा कलर कैसे ऐड करना है वो आगे की बुनाई बताऊंगी। देखिए मैंने तीनों सिरे यहाँ बना लिए हैं, ये आखिरी दो फंदे में ये बचे हैं मेरे, इनको फंदों को घटा रही हूँ यहाँ पे। और सामने की साइड से तीन फंदे जो बिना बुने छोड़े हुए हैं उनको भी मैं बुनाई में ले लूंगी और इस तरह से एक कली ये यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। देखिए तीन फंदे ले लूंगी बुनाई में। तो वही फिर से हमारे 15 फंदे आ चुके हैं और उल्टे बुनते हुए ये सारे फंदे मैं सिलाई में उतार लूंगी। तो ये सारे फंदे हमारे उतर चुके हैं, अभी यहाँ पे मैं दूसरा कलर ऐड करूंगी। दूसरी कली की बुनाई में भी हमें स्टार्टिंग में ही जैसे ही हम कलर बदलेंगे वहीं पे हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। और आखिरी के तीन फंदे हमें यहाँ भी छोड़ देने हैं।
ये देखिए तीन फंदे मैं यहाँ बिना बिना छोड़ रही हूँ। तो सेम वैसे ही बुनाई इसकी भी यहाँ चलती रहेगी, एक एक फंदा बढ़ाते रहेंगे, तीन तीन फंदे छोड़ते रहेंगे। और उसके बाद जब हमारे तीन तीन करते हुए सारे फंदे छूट जाएंगे तो वही दो का एक करते हुए फंदे घटाएंगे और सामने से तीन तीन फंदे हम लेते हुए जाएंगे और हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।